अगर आप नए विजिटर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है नई और इनोवेटिव रेसिपी। पसंद आने पर लाइक और शेयर भी कर दीजिए। शिमला मिर्च की रेसिपी, ये भरवा भी है और करी भी है, तो चलिए देखते हैं, बनाइए हमारे साथ इसको। देखिए, यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज़ प्याज चॉप कर लिए हैं, और ये छोटी वाली शिमला मिर्च इसका कैप हटा के अंदर से साफ़ कर लिया है, और 3 टमाटर मीडियम साइज़ चॉप किए हैं, 2 हरी मिर्च चॉप है, और 150 ग्राम पनीर को कद्दूकस कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई को फ्लेम पे ऑन किया, 2 चम्मच सरसों का तेल लिया, इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा। अब यहाँ पे डालेंगे प्याज जो हमने चॉप किया था, आधा प्याज डालेंगे आधा रख लेंगे। प्याज 1 मिनट सौते हो गया है, इसमें हरी मिर्चें डाल देते हैं, 2 मिर्चें ली हैं हमने यहाँ पे, आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं कम या ज़्यादा। प्याज को फिर से 1 मिनट के लिए भून लिया, इसको लाल नहीं करना है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल करके कुछ सेकंड्स के लिए भून लिया है। अब इसमें ये कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल देते हैं, यहाँ पे हमने 150 ग्राम पनीर लिया है, और इसको मिक्स कर देते हैं। ये यहाँ पे हम शिमला मिर्च की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं, इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। और इसको भी मिक्स कर देंगे। इसमें डाल रहे हैं बेसन, 1 चम्मच बेसन है, ये इसको बाइंड करेगा स्टफिंग को। और इसको भी 1-2 मिनट के लिए भून लिया ताकि बेसन अच्छे से पक जाए। यहाँ पे बेसन इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये बाइंड करे स्टफिंग को, जब हम भरें इसको शिमला मिर्च में तो ये बाइंड हो जाए। इसको निकाल के अलग रख लेते हैं। ये स्टफिंग तैयार हो गई है। इसी कढ़ाई में 3 चम्मच तेल और लेंगे, तेल गर्म होने पर डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 6 से 8 काली मिर्च, 2 स्लिट करी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे हमने जो आधा प्याज बचाया था उसको डाल देते हैं। जब तक ये प्याज देखिए भुन रहा है, इसमें हम सूखे मसाले ले लेते हैं, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, यहाँ पे हमने काश्मीरी लाल मिर्च लिया है, इसको 2-3 चम्मच पानी डालकर घोल तैयार करके रख देते हैं। कि प्याज थोड़ा सुनहरा हो गया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट डाल देते हैं, और इसको भी सौते कर लेते हैं। अब इसमें ये डाल पाउडर मसालों का घोल डाल दिया, और इसको भी बढ़िया से भून लेते हैं। ये तेल सेपरेट हो गया है और ये मसाले भी भून चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे ये 3 मीडियम साइज़ कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा नमक डालेंगे, या फिर टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा पानी डालेंगे। जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहा है, ढक के 2-3 मिनट के लिए सॉफ्ट कर लेते हैं। तब तक हम यहाँ पर शिमला को भर लेंगे, स्टफ कर लेंगे। यहाँ पे शिमला को टाइट भरना है, स्टफ़ करना है, और सारी शिमला को इस तरीके से भर के रख लेंगे। देखिए, सारी शिमला हमने यहाँ पे भर के रख ली है, और देख लेते हैं टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, टमाटर भी गल चुके हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। अब ये जो शिमला हमने स्टफ़ करी थी, इसको इसमें
इस तरीके से रख देना है। और इसको ढक करके लगभग 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसको पकाना है। देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अभी इसमें इस स्टेज पे धनिया भी डालकर इसको मिक्स करेंगे। ग्रेवी को हल्के चलाएंगे, शिमला को पलटना नहीं है, बस ऐसे ही हल्के हाथों से सिर्फ धनिया को ग्रेवी के अंदर मिक्स कर दें और फिर से थोड़ा सा पानी डाल दें, क्योंकि अभी इसमें इसको हमें और पकाना है। और ग्रेवी को फिर से थोड़ा सा चला दें। फिर से इसको ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं, शिमला भी हमारी एकदम सॉफ्ट हो गई है, ग्रेवी बिल्कुल पक चुकी है, सब्जी बिल्कुल तैयार है। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको सर्व करते हैं गर्मा गर्म। तरीके से आप इसको अगर पलट देंगे शिमला मिर्च को, तो क्या होगा कि एक तो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा इसका, बाकी टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, शिमला मिर्च जो आप लीजिएगा वो छोटी वाली ही लीजिएगा, इससे बहुत बढ़िया बनेगा ये। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ।